तो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का 6th edition का चैप्टर नंबर 7। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। सो लेट्स बिगिन। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। तो इन दिस रिगार्ड जो फ्रेमर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंस्पिरेशन लेते हैं किससे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है USA का, दैट इज़ बिल ऑफ राइट्स से। और जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो राइटली डिस्क्राइब करता है, होता है एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। इसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और अब जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो हमारा वुड डिस्पैच होता है एक्ट, उसको भी बोलते हैं। एंड इट कंटेन लॉन्ग और कम्प्रीहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट है उसके अंदर, और जो कि जस्टिसेबल हैं, डेट यू कैन मूव टू द कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट। इनफैक्ट जो फंडामेंटल राइट हैं हमारे संविधान के अंदर, वो ज़्यादा इलेबोरेट हैं, एक्सप्लेन हैं, और इन कंपेरिजन कि कोई दूसरी कंट्री का जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें USA भी इंक्लूड है। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो गारंटीड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा टू ऑल द पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दे अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। और इसमें दिया हुआ है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो बने हैं प्रमोट करने के लिए आइडियल किसके, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, और प्रिवेंट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट अथॉरिटेरियन और डेस्पोटिक रूल कंट्री के अंदर, और प्रोटेक्ट करते हैं लिबर्टी फ्रीडम ऑफ पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट्स। तो ये ऑपरेट करते हैं एज अ लिमिटेशन कि जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है उसके ऊपर। और इन शॉर्ट टर्म इनका एम है एस्टेब्लिश करना गवर्नमेंट कानून की, ना कि लोगों की या किसी सिंगल पर्सन की। दे एम टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ अ लॉज एंड नॉट ऑफ अ मैन। और फंडामेंटल राइट्स है उन ऐसे इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये गारंटेड होते हैं, प्रोटेक्टेड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो खुद ही फंडामेंटल लॉ है लैंड का। दे आर फंडामेंटल ऑल्सो इन द सेंस दैट दे आर द मोस्ट एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट इंडिविजुअल के लिए। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे कि राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये हमारा 29 to 30, राइट टू प्रॉपर्टी जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि सिर्फ कर दिया गया था 31, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज डेट इज आर्टिकल 32। लेकिन जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो डिलीट कर दिया गया था हमारे फंडामेंटल राइट से, किससे, बाय 44th amendment से, और इसे लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एट प्रेजेंट हमारे पास केवल 6 फंडामेंटल राइट है। तो इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि राइट टू इक्वालिटी, तो याद रखना होगा आपको ये सब चीज़ें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइज। तो फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन 23 to 24, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, और कल्चरल और एजुकेशनल राइट है 29 to 30, और 6th है राइट टू प्रॉपर्टी डेट इज आर्टिकल 31, और 7th है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आर्टिकल 32। तो गाइस अब देखते हैं जो फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो गारंटेड किए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी एक करेक्टरिस्टिक है ये फीचर्स हैं। अब देखते हैं जो फर्स्ट है कि सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन, जो इनमें से कुछ हैं वो हमारे सिटीजन को मिलते हैं, और जो दूसरे हैं वो सभी पर्सन को मिलते हैं, चाहे उसमें सिटीजन हो, फॉरनर हो, और लीगल पर्सन हो, लीगल पर्सन लाइक कॉरपोरेशन और कंपनीज को भी मिलते हैं। और दूसरा फीचर है कि एब्सोल्यूट नहीं होते बट क्वालिफाइड होते हैं, कि मीन्स कि जो स्टेट है इम्पोज करती सकती है इन पे रिस्ट्रिक्शन, कि ये नहीं कि बिल्कुल ही एक लाइन खींच दिए कि इसको हम बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि स्टेट है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। हाउएवर वेदर सच रिस्ट्रिक्शन जो है रीजनेबल है नहीं है, ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है कोर्ट, और ये स्ट्राइक करता है एक बैलेंस किसके बीच में, एक राइट जो है इंडिविजुअल का और सोसाइटी का, उन दोनों के बीच में। और जो थर्ड है वो दिखाता है कि ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट, तो जो मोस्टली जो सारे अवेलेबल हैं वो स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ इसमें जो हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हैं, जिसमें हम आगे देखेंगे आर्टिकल 17 और 19 जब हम देखेंगे कंपेयर करेंगे।
तो फोर्थ पॉइंट है, सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन करेक्टर, डेट इज़ ये लिमिटेशन प्लेस करते हैं जो अथॉरिटी है स्टेट की, और जो अदर हैं वो पॉजिटिव है नेचर में, कि कुछ प्रिवलेजेस देते हैं पर्सन को, वहीं जस्टिसेबल हैं कि पर्सन को अलाउ करते हैं कोर्ट में जा सकता है इनके एनफोर्समेंट के लिए अगर उसके फंडामेंटल राइट वॉयलेट होते हैं, और ये डिफेंडेड हैं, गारंटीड किए जाते हैं किससे, बाय सुप्रीम कोर्ट। हैंस जो पर्सन होता है एग्रीव पर्सन डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ना ही नॉट नेसेसरी बाय वे ऑफ अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। ये नहीं है कि किसी जजमेंट जो है हाई कोर्ट के अपील से वो असंतुष्ट है तो तब जाएगा, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब सेवन पॉइंट कि ये परमानेंट नहीं है, सैक्रोसेंक्ट नहीं है, मीन्स दे आर नॉट परमानेंट, तो पार्लियामेंट जो है कर्टेल और रिपील कर सकती है, बट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को, बट नॉट बाय एन ऑर्डिनरी एक्ट। कि ये हैं जो ये परमानेंट नहीं है, पार्लियामेंट इनको रिपील कर सकती है, बट केवल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही कर सकती है, किसी ऑर्डिनरी कानून के थ्रू नहीं, एक्ट के थ्रू नहीं। मोर ओवर ये जो एक्ट है वो डन हो सकता है विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो अमेंड होगा ये देखते हुए होगा कि वो हम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। और आर्टिकल जो इसका एट्थ फीचर है कि ये सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, एक्सेप्ट जो राइट है आर्टिकल 20 और 21, फर्दर जो सिक्स फंडामेंटल राइट हैं बाय आर्टिकल 19 वो भी सस्पेंड हो सकते हैं, ओनली जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो किस ग्राउंड पे, वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन, डेट इज़ एक्सटर्नल इमरजेंसी, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिबिलियन, डेट इज़ इंटरनल इमरजेंसी। और जो सस्पेंशन है फंडामेंटल राइट्स का ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, हमारे जो चैप्टर नंबर 16 है उसकी वीडियो दे सकते हैं आप नेशनल इमरजेंसी के ऊपर, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका जो नाइन्थ फीचर है कि इसके स्कोप है जो लिमिटेड किया जाता है आर्टिकल 31 है, कि एक्विजिशन ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग 31B, कि कुछ एक्ट हैं जो एक्सक्लूड किए गए हैं और रेगुलेशंस जो नाइन्थ शेड्यूल में डाले गए हैं उन्हें जुडिशियल रिव्यू से बचा दिया जाता है। और जो आर्टिकल 31C है कि सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो गाइस आप इस पॉइंट के लिए वरी नहीं हुए कि क्योंकि 31B हम जुडिशियल रिव्यू चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा, 31C अभी हम जब DPSP भी डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चंपाकम डुराई राजन केस है, तो वहाँ से एक पूरी स्टार्ट होती है 1951 से, तो ये मिनर्वा मिल्स तक एंड होती है, कि वो बोलता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड ऑन द बैलेंसिंग, मतलब बैलेंस है, बैलेंस शीट पे बनाया किसकी, फंडामेंटल राइट और DPSP दोनों की, तो ये आपका वहाँ क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ आप इसको माइंड में रखिए बस। अब 10th पॉइंट देखते हैं कि दे आर एप्लीकेशन टू द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज, पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसी, एनालॉगस सर्विस को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और ख़त्म किया जाता है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि आर्टिकल 33 है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे आर्म फोर्सेज में। अब 34 आर्टिकल आ जाएगा, डेट इज़ मार्शल लॉ, तो ये इसका एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है जब मार्शल लॉ फोर्स में हो किसी भी एरिया में, कि अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे लिए जा सकते हैं। और मार्शल लॉ का मतलब मिलिट्री रूल होता है जो इम्पोज होता है अबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, और ये डिफरेंट होता है किससे, फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। और जो 12th पॉइंट है वो बताता है कि मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली एनफोर्सेबल, कि सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं, कि वाइल फ्यू ऑफ देम को एनफोर्स किया जाता है किसी लॉ के तहत, और ये जो ऐसा कानून होता है वो केवल पार्लियामेंट बना सकता है ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, कि जो भी एनफोर्स करने के लिए, अगर वैसे तो ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं लेकिन अगर कोई भी कानून इनको एनफोर्स करने के लिए जरूरत पड़ेगी तो वो पार्लियामेंट बनाएगा ना कि स्टेट लेजिस्लेचर, वो हमारा आर्टिकल 35 है, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब हमारा स्टार्ट हो जाता है आर्टिकल 12, डेट इज़ डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। अब इसमें क्या है, जो टर्म है स्टेट वो यूज़ हुई है इन डिफरेंट प्रोविजन कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट, तो जो आर्टिकल 12 है वो डिफाइन करता है टर्म फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3, तो वो क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, डेट इज़ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो गाइज आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ये लेजिस्लेटिव मतलब ली है केवल, इसमें जुडिशरी इंक्लूड नहीं है, कि गवर्नमेंट और हमारा ये पार्लियामेंट्री जो है हमारी यही होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट की भी सेम, कि गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर स्टेट का, डेट इज़ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन स्टेट गवर्नमेंट का।
और थर्ड पॉइंट है वही कि सभी लोकल अथॉरिटीज़ की म्यूनसिपैलिटीज़ होगी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ट्रस्ट, ये सारे इंक्लूड होते हैं इसमें, और सभी अदर अथॉरिटीज़ जो कि स्टेटरी और नॉन स्टेटरी अथॉरिटी, LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा। तो अब जब ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं कि उसमें आपको कोई भी अथॉरिटी का या मोस्टली जो डी पॉइंट है उसमें से कोई भी जो स्टेटरी या नॉन स्टेटरी बॉडी है इनका नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं या नहीं आते। तो आप इसका थोड़ा गूगल सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी बॉडीज हैं ये। तो यहाँ पे दिखाया है कि थस द स्टेट हैज़ बीन डिफाइन इन वाइडर सेंस एज टू इंक्लूड ऑल इट्स एजेंसीज, और ये एक्शन है इन एजेंसीज का जो चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर एज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। इवन एक जो प्राइवेट बॉडी होती है और एजेंसी जो वर्क करती है एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, तो याद रखिएगा IOS कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट की तरह वर्क कर रहा है वो फॉल होता है विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। अब देखते हैं आर्टिकल 13, दैट इज लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, कि जो आर्टिकल 13 है वो डिक्लेयर कर सकता है किसी भी लॉ को। आर्टिकल 13 डिक्लेयर डेट ऑल लॉज डेट आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड, कि अगर कोई भी कानून इनकंसिस्टेंट है किसी भी फंडामेंटल राइट से तो वो उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। और दूसरे शब्दों में कहें इट एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का अगर आप हम चैप्टर में भी पढ़ेंगे तो जब क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किस आर्टिकल में जुडिशियल रिव्यू एक्सप्रेस किया हुआ है तो आप ऑप्शन में मार्क कर सकते हैं डेट इज़ आर्टिकल 13। और ये पावर यानी कन्फर्म की गई है किसको, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि ये पावर किस कोर्ट को है, इट्स नॉट गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इट्स ओनली गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, एंड डेट कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड। किस ग्राउंड पे है? कि वो फंडामेंटल राइट्स को इनकंसिस्टेंट या कंट्रोवेंशन कर रहे हैं। अब जो टर्म है आर्टिकल 13 की में जो लॉ है उसमें उसकी वाइड कनोटेशन है, उसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं कि जो परमानेंट लॉज हैं जो पार्लियामेंट बनाती है या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस जो हमारे राष्ट्रपति या स्टेट गवर्नर बनाते हैं, और सी ए की स्टेटरी जो इंस्ट्रूमेंट है इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, दैट इज ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर होते हैं जैसे ऑर्डर्स हो गए, बायलॉज हो गए, रूल्स, रेगुलेशंस और नोटिफिकेशंस हो गए। डी ए की नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ जैसे जो कस्टम मरी लॉ होते हैं और यूजेस हैविंग फोर्स ऑफ लॉ। तो अब आगे जो दिया हुआ है कि थस नॉट ओनली अ लेजिस्लेचर बट एनी ऑफ द अबव को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, कि अगर वो फंडामेंटल राइट को चैलेंज किया जा करता है और उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है, कि इनमें से चारों में से कि डी ए बी सी डी में से कोई भी अगर फंडामेंटल राइट्स का इनकंसिस्टेंट होता है तो उसे इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है ओनली बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब फर्दर आर्टिकल जो 13 है डिक्लेयर करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ की डेफिनेशन में आता है या नहीं आर्टिकल 13 के अंदर, तो इसका जवाब है कि वो इसके अंदर नहीं आता। और सुप्रीम कोर्ट ने सब केशव नंद भारती में केस में कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो चैलेंज किया जा सकता है पर किस ग्राउंड पे, कि वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है प्लस वो बेसिक स्ट्रक्चर को भी वॉयलेट कर रहा है, कि दोनों को जब वॉयलेट करेगा तब उसे इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा। अब हम ये टेबल देख लेते हैं कि राइट टू इक्वलिटी जो हमने पहले भी पढ़ा था आर्टिकल 14-18, एंड आर्टिकल 14 इज इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ इसको आप ऐसे शॉर्ट में नोट्स में डाल सकते हैं, एंड इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की EBL एंड EPL, तो दोबारा बोलिए EBL एंड EPL, तो को ये रट जाएगा कि EBL इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड EPL इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब है बी की प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, दैट इज आर्टिकल 15। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे कि RRCSP। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आर्टिकल 16 अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें एक डिसेंट इनमें RRCSP में एक ऐड हो जाएगा, तो आपको जब भी कहीं ऑब्जेक्टिव में लगाने में बड़ी ईज होगी कि हमने जो RRCSP है ग्राउंड्स हैं कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अजय वो सी है आर्टिकल 16
जो देता है इक्वलिटी ऑफ प्रोटेक्शन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो हम जब इसका आगे पढ़ेंगे तो उसमें RRCSP में एक ऐड हो जाएगा, डेट इज़ डेसेंट, तो RRCSP और डी अलग से ऐड हो जाएगा, तो इसलिए आपको ये कन्फ्यूज़न अब नहीं होगा। और जो 17 है वो है कि एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी और प्रोविजन ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस। 18 हमारा ये एबोल्यूशन ऑफ टाइटल है एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। और सेकंड था हमारे कि राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 90-22। तो इसका जो ए पार्ट है वो है कि प्रोटेक्शन 6 फंडामेंटल राइट्स की, उसमें है कि स्पीच और एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। तो इसकी भी जब हम इसे डिस्कस करेंगे 19 आर्टिकल पूरे, तो आपको ट्रिक्स पूरी क्लियर हो जाएंगी वहाँ पे कि किस किस तरीके से इसको याद रखना है, उसमें कितने कितने एक्सेप्शंस हैं, कि जो भी इसके एक्सेप्शंस हैं कि मूवमेंट में क्या है, रेजिडेंस में क्या है। तो बी है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विशन फॉर ऑफेंसेस आर्टिकल 20, और ये 21 इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें भी लिस्ट है वो आपको याद कराई जाएगी, उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं ये कि राइट टू मैरिज जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 21A। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस में। और थर्ड था कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, दिस इज आर्टिकल 23 और 24। तो उसमें ये हमारे 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर, और 24 है कि एम्प्लॉयमेंट का जो चिल्ड्रन का उसका प्रोहिबिशन फैक्ट्रीज के अंदर। जो फोर्थ है वह राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25-28। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज फ्री प्रोपोगेशन प्रैक्टिस इन प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, और फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 5 क्या बोलता है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट, दैट इज आर्टिकल 29 और 30, कि प्रोटेक्शन लैंग्वेज का, स्क्रिप्ट का, कल्चर का, माइनॉरिटीज़ का, और राइट माइनॉरिटी के कि वो एस्टेब्लिश करे और एडमिनिस्टर करे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। और सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, डेट इज़ आर्टिकल 32, कि राइट सुप्रीम कोर्ट में मूव करने के लिए फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग, ये हमारे राइट्स हैं, ये हम सब डिस्कस करेंगे, और इसमें जो भी एक्सेप्शन होते हैं। अभी के लिए आप ये भी याद रख सकते हैं कि इट्स हैबियस कॉर्पस इज द ओनली डेट कैन बी गिव टू द पब्लिक एज वेल एज टू द प्राइवेट इंडिविजुअल। तो जहाँ भी पूछेंगे कि प्राइवेट के अगेंस्ट कौन सा दे सकते हैं, तो आप डायरेक्टली हैबिशियस कॉर्पस लगा सकते हैं। अब ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो ओनली सिटीजन को दिए जाते हैं और फॉरनर्स को नहीं दिए जाते, और हमने यही डिस्कस एक बार किए थे कि सिटीजनशिप चैप्टर में भी, जिसमें हमने 5 देखे थे, 15, 16, 19, 29 और 30। तो यहाँ देख लेते हैं कि पहले वही 15 हो गया कि जो सिटीजन को मिलता है फॉरनर को नहीं, जो मैं आपको बता रहा था अभी कि 5 हैं, ये 16 हो गया, ये 19, 21, और राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो ये इधर हैं, और बाकी जो फंडामेंटल राइट्स जो अवेलेबल होते हैं सिटीजन्स को भी और फॉरनर को भी, एक्सेप्ट एनिमी एलियंस को नहीं होते, वो एक्सेप्ट इनको 5 को एक्सक्लूड करके वो यहाँ हो जाएंगे। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ये, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। तो ये पूरी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइज यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल 10M Expert IAS। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो आस्क इट रिपीटेडली, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।